हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आपके अपने न्यूज़ फीड यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। खबर वही जो आपके दैनिक जीवन के लिए ज़रूरी, तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय वैज्ञानिकों ने खोजे प्लास्टिक खाने वाले जीवाणु। शोधकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित दलदली भूमि से दो प्रकार के प्लास्टिक खाने वाले जीवाणु का पता लगाया। ग्रेटर नोएडा के शिव नाडर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा खोजे गए जीवाणुओं में प्लास्टिक के विघटन की क्षमता है। मध्य प्रदेश ब्लैकमेल कर छात्रा के साथ किया गैंगरेप, आरोपी भी है नाबालिग। रतलाम में नाबालिग से गैंगरेप की घटना के विरोध में आज हंगामा हो गया, जिसमें सड़कों पर उतरे हिंदू संगठन और एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। केंद्र सरकार के अमेजन फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों को हिदायत, FDI नियमों का पालन कर व्यापार करें। इन कंपनियों द्वारा अपने वेबसाइट के माध्यम से बेचे जाने वाले सामानों पर दिए जा रहे डिस्काउंट के बाद देश के व्यापारियों की संस्था ने सरकार से इन कंपनियों के खिलाफ शिकायत की थी। इसी शिकायत के बाद सरकार ने इन कंपनियों को हिदायत दी है। PMC बैंकों के पीड़ितों से नहीं मिली वित्तीय मंत्री, कहा RBI मामले को देख रहा है। पंजाब एंड महाराष्ट्र को ऑपरेटिव बैंक डूब गया, लाखों लोगों के पैसे फंस गए। खाताधारकों ने मुंबई में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने प्रदर्शन करके इंसाफ की मांग की। निर्मला BJP दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आई थी, हालांकि PMC के पीड़ितों से कोई बात नहीं की। वर्ल्ड चैंपियनशिप, मैरीकॉम ने रचा इतिहास, 8 मेडल जीतने वाली दुनिया की पहली बॉक्सर बनी। चैंपियनशिप 2019 में मैरीकॉम ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। मैरीकॉम ने क्वार्टर फाइनल जीतकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है, उसके साथ ही उनका ब्रॉन्ज मेडल पक्का हो गया है। मध्य प्रदेश शिवपुरी में पंचायत भवन के सामने शौच करने पर दो दलित बच्चों की हत्या। भावाखेड़ी गांव में बुधवार को पंचायत भवन के सामने शौच करने के आरोप में दो दलित बच्चों को लोगों ने कथित तौर पर पीट पीट कर मार डाला।